इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर से लॉग आउट कैसे हो सकते हैं। देखिए, ये बात रियल है कि अगर यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे तो आप यहाँ पर प्ले स्टोर को नहीं चला सकते जब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से लॉगिन या लॉग आउट का प्रोसेस नहीं रहता या रिमूव या रहता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि इसको कैसे हटाएं, इस आईडी को कैसे हटाएं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको यहां से बैक आना होगा और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर हमें नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर हमें ये वाला ऑप्शन मिलता है SYNC वाला, तो स्कैनिंग्स होते हैं ये, तो स्कैनिंग के लिए यहाँ पर ही होता है। तो इसको हमें खोल लेना है और खोलने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा गूगल। गूगल को खोल लें। गूगल को खोलने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है और मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिमूव अकाउंट करेंगे, यहाँ से आपके प्ले स्टोर से आपकी आईडी जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसको लॉग आउट करने का। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।